जवान की देख रहे हैं भाई, एज इज जस्ट अ नंबर भाई। ये उम्र में भी लोग बकरों को कवर कर रहे हैं, मतलब भाई ये अलग चीज है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी महाराष्ट्र की सर जमीन पे ये चीज अपने को बिल्कुल 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 ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई महाराष्ट्र की। पहला आदमी अल्लाह ने मेरे को चुना, माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात। सलामुअलैकुम। वालेकुम। मायू रईस चाचू के साथ में, जो कि इंट्रोडक्शन के कोई मोहताज नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट कोटा। हर साल इनका एक लॉन्च होता है माशाल्लाह, और एक कोटा पालते हुए आदमी की हालत खराब हो जाती है, और इनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन रहता है हर साल। और अल्लाह से उम्मीद है माशाल्लाह, जैसे कि चाचू ने कहा था, और ये साल भी चाचू ने माशाल्लाह पूरे इंडिया में नाम रोशन कर दिया और एक बड़ा कोटा लॉन्च कर दिया चाचू ने। चाचू बहुत जबरदस्त कोटा ये, मैंने शायद ही इतना बड़ा कोटा मैंने कभी देखा हो चाचू। ये कोटा की जर्नी चाचू, ये कितने टाइम से आपके पास ये कोटा? दो साल से आपके पास, माशाल्लाह जितना को करो शंकर जबरदस्त, बहुत नाजों से पली हुई चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार से पला, जबरदस्त। वाह चाचू, देख के दिल खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा कोटा का शौक पूरा हो गया चाचू। और जो भी व्यूअर्स आए, मैं सबके सबसे यही सुन रहा हूँ कि सबने इतना बड़ा बकरा शायद ही कभी देखा हो कोटा, माशाल्लाह जबरदस्त। चाचू 2025 के लिए क्या है स्पेशल कोटा गोट लवर्स के लिए, मतलब 2025 की क्या तैयारी है अभी आपके पास? हाय इंशाल्लाह, वो सीक्रेट है, धमाका होगा। आपने अभी बता के कैसा था संतोष भाई? चलो हमारे इंडस्ट्री में तो भाई, हमारे बकरा इंडस्ट्री में तो भाई बकरा एंड तक छुपा हो रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने तो पूरी दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया। मैं उस दिन भी बोला था दुनिया देखेगी, माशाल्लाह जबरदस्त। और भाई ये मैं एक चीज कह सकता हूँ, ये बकरे को भाई वीडियो में, टीवी में, मोबाइल में देख के आप जस्टिफाई नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं कर सकते। सही बात है, सामने देखेगा वही समझेगा। सही, बिल्कुल सही है ना भाई, ये बकरा अगर सामने से देखोगे तो ही समझ में आएगा भाई कि ये चीज क्या है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि चाचू का एक तजुर्बा है, चाचू की नजर, चाचू क्या चीज देख के आपने कोटा लिए थे चाचू? वीडियो कॉल पे देख रहा था, वीडियो कॉल पे। ये बहुत बड़ी बात होती भाई, ये होता है एक तजुर्बा। चाचू बकरा इंडस्ट्री में एक बहुत एक आला मकाम रखते हैं, और चाचू की नजर देखो, आज इंडिया का नंबर वन कोटा लॉन्च हो गया है, क्या बात है चाचू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। थोड़ा सा बकरे के पास आ जाइए ना प्लीज, क्या बात चाचू। इसका नाम क्या है बकरे का? ये डॉन है भाई। डॉन, क्या बात है, वाह डॉन। अल्लाह चाचू को सलामत रखे, आमीन आमीन। नेमत अपने भाई बकरे के जरिए देखने मिलते रहे भाई, बस यही बोलूंगा। बकरेबाजी में तो भाई सब 43 44 42 सब बोल रहे हैं, अपने भाई ऑनलाइन मतलब आपों के सामने लोगों को बता देंगे। चाचू इसकी हाइट कितनी है? ये हाइट अभी तुमको चाहिए तो गिन लो, 44 की हाइट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी वेट कितना है चाचू इसका? ये 150 प्लस पे, 150 प्लस पे, बिल्कुल। क्या बात है, वाह। थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, मोबाइल की फ्रेम भी नहीं आ रहा बकरा। हाँ समीर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अलग, माशाल्लाह। समीर भाई वीडियो तो बहुत जगह पे शूट करते हैं, लेकिन क्या अलग दिख रहा है भाई बकरे में? पूरा ही बकरा अलग है, पूरा ही बकरा अलग है। वही मैं बोल रहा हूँ, कितना पीछे होना पड़ रहा है इसको वीडियो निकालने के लिए, बहुत जबरदस्त चीज है। और ये मजमुआ देखो, सब बकरे को देखने के लिए आए दूर दूर से, बहुत सारे मेहमान आना बाकी है। और कुछ नहीं चाचू, चाचू जो भी तुम्हारे से पूछना है, जितने पूछने वाले थे, पीछे बात करने वाले थे, उनको जवाब दे दिया। मैं यही बोलने वाला था चाचू, और मैं ये चीज 15 दिन पहले बोला था कि दिखाऊंगा, और जवाब मुझसे नहीं दूंगा। सही है, आपकी मेहनत जवाब दे दिया इसका, सही। वाह, मैंने आज दिया, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉन, डॉन सही है, इंडस्ट्री बकरा इंडस्ट्री का डॉन, बकरा इंडस्ट्री का डॉन, अल्हम्दुलिल्लाह। सही समीर भाई, बाकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, फिटिंग देखो ना, ऐसा नहीं है 150 केजी बोले तो बकरा जैसे हाँपता है बकरा चलने में, पैर समीर भाई ये देखो, पैर इसके पारे के पैर दिख रहे हैं माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, एक बात बोलोगे, तीसरा बकरा है मेरा जी, मेरा बकरा 44-42 डिग्री में भी कभी हाँपा नहीं। चाचू आपका तीसरा बकरा है, लेकिन हम तो फर्स्ट टाइम ऐसा बकरा देख रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन भाई बकरा मेरा बकरा कभी हाँपा नहीं, अभी भी तुम्हारे सामने उधर से चल के आया है, बकरा हाँपा नहीं है, और माशाल्लाह सोल्ड आउट हो गया है, जबरदस्त, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है, क्योंकि अभी इसके लिए अगर कॉल अगर वगैरह आते हैं नहीं भाई, अभी तो मुश्किल, नॉट फॉर सेल, अभी टाइम निकल गया, बस ये लोगों को शॉक करा रहे हैं हम लोग, और अपना जो काम किए बकरे के ऊपर तैयारी हुई है वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोला था लोगों को, इनके जबान से नहीं बोलूंगा,
काम करके बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। सही है, और मैंने दिखा दिया माशाल्लाह। इसकी तैयारी के पीछे जो मेहनत है हमारे संतोष भाई की, दिन रात लगे रहते हैं बकरे के पीछे। फैसल भाई, फैसल भाई चलो आओ, दोनों ऊपर आओ। और जो भाई ने लिए उसको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, वाकई मैं अभी आ गई हूं भी। क्या नायाब कुर्बानी है, आइए उनसे भी मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। ये भाई मेरे फैज भाई है। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, इन्होंने इनको बकरा दिया भाई। अरे वाह फैज भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत खूबसूरत बकरा आपने लिया। अलील भाई, फैसल भाई आखिरी कमेंट हमारा, आखिरी कमेंट फैसल भाई के हाथ में माइक दीजिए ना। हेलो कलेक्शन मैंने आप लोगों का देखा हो, ये बकरा देखने का ये कोटा में जो बकरा है इतने बड़े हाइट का बकरा, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड का आप दावा कर रहे हो? पूरे वर्ल्ड का दावा कर रहा हूँ कि इतने बड़े हाइट का बकरा कहीं नहीं होगा। ये फैसल भाई भी हम बहुत बड़े शौकीन है, ये भी देखने आए थे, हम भी हम सब दोस्तों में से, हम लोग वाई की टीम, हमारी फैमिली है। फैज भाई आवाज कम कर दे, फैज भाई माशाल्लाह भाई मुबारक। और ना सिर्फ इतना बड़ा बकरा, इतनी बड़ी लेंथ का भी बकरा शायद से मैंने नहीं देखा कोटे भाई। लेंथ और हाइट दोनों, मतलब दोनों सही वर्टिकल, हाँ जो तरीके से देखो, हर एंगल से देखो, एंगल हर एंगल से देख लीजिए। सही, ये बकरा हो सकता है कि इतना नामचीन नहीं होगा, लेकिन मैं बात बताता हूँ, ये बकरे के पीछे मैं एक साल से था। अच्छा, एक साल से चाचू के पास था, चाचू से बात कर रहा था, ये बकरा मुझे दे दो, लेकिन चाचू माशाल्लाह मेरी इज्जत रख दी है चाचू ने। चाचू ने बोले बेटा मैं बना के ही तुझे दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको मिल गया बकरा, वाह सच्ची चीज नहीं मिली। सही है, एक रिव्यू जरा खलील भाई दे दीजिए। वालेकुम सलाम। खलील भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, बकरे की तारीफ कभी बोलते ना, इतनी बड़ी हाइट में तो भाई माशाल्लाह मैंने मेरे 12-15 के करियर में नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह 44-40 की हाइट रही। आपने भी बहुत बड़े बड़े बकरे लॉन्च किए खलील भाई। अरे वो माइक हटा मेरे, और सबसे भारी बकरा भी मेरे लाइफ में यही है। ये क्या बात है, अनिल भाई कितनी बार आना पड़ा था अपने को ये बकरे के लिए चाचू के पास, कितनी बार आना पड़ा? बहुत बार आना पड़ा क्या, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज मिल गई। चाचू ने वादा किया था कि बकरा जब भी दूंगा इंशाल्लाह मैं पहले तुम्हारे को बुलाऊंगा, और बकरा अल्हम्दुलिल्लाह दिए नहीं। फैसल भाई के पास आता हूँ थोड़ा सा, फैसल भाई माइक ले लीजिए ना। फैसल भाई जरा कुछ बताइए, फैसल भाई आप तो सब जगह ट्रेवल कर रहे हैं ना भाई, जी इतना बड़ा कोटा भाई देखने के बाद क्या जज्बात है आपके भाई? मैं आपको दो वीडियो में से पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इससे बड़ा बकरा मैंने नहीं देखा। मतलब आप वो खुश नसीब लोग है जो अपनी नस्लों में अपन ने ये बकरे को देखे भाई, क्या बात है, वाह क्या बात है, माशाल्लाह दिल खुश हो गया है। फैसल भाई क्या स्पेशल करता है इस बकरे को और दूसरे बकरों को, क्या ऐसी खास बात है? वो मेन तो देखो कोटा में हाइट मुझे 44, मतलब बाल तक का देखो ना तो 45 है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर बाल अपन हाँ, उसको और तुम ये बकरे की लेंथ देखो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा किसी से कोई नहीं बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंग से लेके चेहरे से लेके कान से लेके मतलब प्रॉपर स्टार्ट टू हर लाइन से परफेक्ट है, हर लाइन से परफेक्ट है। कोटा में जैसा रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बड़े बड़े बकरे आपने कुर्बान किए आज तक अल्लाह की राह पे, लेकिन अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो माशाल्लाह बकरे ने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खिताब हासिल किया आज। बात आप लोग को बोलना चाहूंगा ये इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी फैसल भाई के कूटे पे होगी। अरे वाह माशाल्लाह, हम लोग हमने किया है, बस एक ही कहना है कि इस साल या अगले साल ये हमने डिसाइड नहीं किया, फैसल भाई खुद डिसाइड करेंगे। इसको एक साल और पहले करने का भी इरादा है? नहीं हमने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि फैसल भाई हज पे जा रहे हैं और हज पे जा रहा हूं, बट ये बकरा मैं तो सस्पेंस रख रहे अभी, एक और हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ शावेज भाई, भोपाल से आए हैं। सलाम शावेज भाई, थोड़ा एक रिव्यू ले दीजिए। माशाल्लाह भोपाल, वालेकुम सलाम, आपने भोपाली अंदाज में रिव्यू दीजिए।
भाई भोपाली अंदाज में इसका रिव्यू ये है, बकरा माशाल्लाह हैंड है और इतनी बड़ी हाइट का कोटा आना आज की डेट में बहुत रेयर है, क्योंकि लोगों ने कानों के वजह से लोग बकरों की हाइट कम कर दी है, लेकिन ये बकरे पैदा हो रहे हैं आज भी। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, सही बात, बेशक 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 जो है वो पैदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, सही माशाल्लाह जबरदस्त। वीडियो में जो भी कमेंट है माशाल्लाह भाई, एक बार माशाल्लाह जरूर बोले, मुबारक चाचू, इंडिया बोला बात खत्म हो गए, जो एक साथ चल रहे थे चाचू, जैसे मेहनत तो करनी पड़ी है ना, कोई ऐसी चीज है उसके लिए, बैठ के तो घर में कुछ नहीं मिलता है। सही बात है चाचू, वैसे रिक्वायरमेंट तो आपको बहुत रहेंगी कोटे की, लेकिन जो आपने फैज भाई को दिए जैसा वो यानी वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, बहुत चक्कर मारे एक्चुअली मेरे को, ये हमारा एक बंदा है जी, इसने मेंटल टॉर्चर बहुत किया, कौन खलील भाई ने, ये खलील भवानी ने, सही जोहरी को ही सोने की परख होती है ना चाचू, हीरे की परख जोहरी को ही होती है, जैसे आपने परख के निकाली है तो खलील भाई भी तो उस्ताद है माशाल्लाह, वो परख लिए थे उन्होंने, बोले ये चीज अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए, भले से बाटा की चप्पल पहननी तो चलेगा लेकिन ये चीज नहीं जाना चाहिए, खलील भाई बाटा की नहीं चलती थी, अच्छा उत्तल दिया तो जी जी माशाल्लाह सही, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह, सही सही। और कुछ भाई किसी को पूछना है तो सब जो मेहमान आए भाई खाना खा ले पहले, हाँ मेहमान सब खाना खा ले जी, वालेकुम सलाम। चाचू क्या बोल रहे, मतलब एक आपने तो समा बांध दिया आज बोट लवर्स के लिए यहाँ पे, मैं तो मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत है माशाल्लाह, और भाई दिल खुश हो गया, बकरे पे तो हम आएंगे अभी उस्ताद खलील के पास, और भाई मोहब्बत के सिवा हमने किसी से सौदा ही नहीं किया, नहीं नहीं सही बात है, वो तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि चाचू से एक अलग मोहब्बत हो गई है, उस्ताद खलील के पास आता हूँ, खलील जी जी जी, आपका रिव्यू क्या है भाई, ऐसा बकरा आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में देखा है भाई? नहीं नहीं भाई, मैंने इतना बड़ा बकरा मेरे लाइफ में नहीं देखा, और जब मैंने इसको देखा था उस वक्त से लेके आज के दिन तक मैंने चाचू को बहुत परेशान किया, चप्पल रगड़ दी है और भाई जो आपका वाई के गोट से और यहाँ पे आने में अपन जब कार से आते तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है, ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है, तो आप वो कितनी बार वो सफर तय किया अपने ये बकरे को लेकर? रात में सफर तय किया भाई, रात में भी लोग आए थे, सबका यही कहना था कि भाई इतना बड़ा कोटा बकरा अभी तक उन लोगों ने, नहीं नहीं रुको रुको थोड़ा उधर हो जाओ भाई, थोड़ा उधर हो जाओ भाई, थोड़ा हार्ड संभालो संभालो पीछे संभालो, बस 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 ये फ्रेम पीछे संभाल भाई, तुम फैसल भाई खलील भाई यहाँ पे बस भाई, भाई एक मिनट भाई, पाँव ऊंचे करके खड़ा है भाई, आपने सुना होगा बकरा जब अपन पकड़ते हैं तो एक ही दबता है, तो देखिए दो दो लोग पकड़े हुए बकरे को, तो बकरा भी मतलब अनकंफर्टेबल है भाई, अब ये इस बकरे का ओरिजिनल शबाब देखना है ना आप लोगों को, इसको बांधते हैं खूटे से, फिर जब ये घूमेगा ना तो इंशाल्लाह ये अपने आप को बताएगा कि हिस्ट्री है, और ये पब्लिक तो बोलेगी हिस्ट्री हिस्ट्री है, लेकिन ये खुद बता देगा कि मैं क्या हूँ, तो आप इसको बांधो या फिर रस्सी थोड़ा पब्लिक में डरा हुआ हाँ चल गया बस, ये बकरा जब बूटे से बन जाएगा ना तो इंशाल्लाह अपने आप को खुद बता देगा, 2 मिनट किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, वही बात बकरे के सामने करें उधर, अभी बांधते अपन उधर एक मिनट, नहीं नहीं अंदर नहीं इधर बाहर बांधते थोड़ा थोड़ा, इसका इनका रिव्यू ले थोड़ा ना भाई, इधर उधर लेंगे, हाँ चलो उधर लेंगे,
बहुत एंड है। शरण पटेल कैसा लगा आपको बकरा भाई? और शाम क्या हाल है? बहुत बढ़िया बकरा, इतना बड़ा बकरा आपने देखे थे पहले? नहीं देखे, ये कूटे सही है कूटे ना, बिल्कुल सही है। फैया जब कुर्सी हटाओ, पहाड़ी जैसा दिख रहा है, क्या बात है, वाह। आवाज भाई बोल रहे हैं जेनेटिक लाइन से बहुत परफेक्ट बकरा है और माशाल्लाह अभी करोली में आते ही जो तीन टाइप के करोली होते हैं जनरली आपने देखा होगा, गोल्डन धारी के करोली होते हैं, सिल्वर धारी पाने चाहिए, और एक जो थर्ड टाइप होता है ना करोली का आपने देखना, वो चितले कान और सफेद पैर लिए हुए करोली होते हैं, सही, जिनको लोग कोल्टा करोली बोलते हैं मिक्स में, लेकिन ये करोली के अंदर ही तीन बकरे करोली ब्रीड के बड़े साइज के वो यही ब्रीड में आते हैं। जैसा कि मैं पब्लिक को बता रहा था कि बकरे को तीन लोग पकड़ के खड़े थे तो ये जो बकरे की देखिए आयाल नहीं खड़ा कर रहा था, उनके बाल नहीं खड़े कर रहा था, नहीं कर रहा था, अब बकरा अभी अपने प्रॉपर इसमें आ गए, वाह, ये ओरिजिनल अपने शबाब पे आ गया, शबाब पे आ गया। देखो आप बकरे को खूंटे से बांधते साथ ही बकरे की एक से डेढ़ आई दो इंच हाइट बढ़ गई है ना, थोड़ा सा आप लोग कैप्चर भी ऐसा करिए दूर से, भाई फ्रेम में ही नहीं बैठ रहा ना शाबाश भाई, थोड़ा सा पीछे आएंगे ना भाई बकरे तो पूरा दिखेगा। अब मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए उसके सींग के पीछे से दुम तक के जो बाल है ना, देखिए कैसे खड़े दिखा रहा है, खड़े किया सही, यही बकरा मैं पकड़ लूंगा ना तो पूरे बाल फुल एटीट्यूड में आ गया अभी बकरा, हाइट भी कम बताएगा, अब देखिए बकरा ओरिजिनल शावाज भाई, अगर ये समझो पलटी के लिए रखे तो क्या एक्सपेक्टेशन है बकरे से? इस फ्रेम के हिसाब से पलटी का ही बकरा है, और जब आया था तो मैंने चाचू से यही बोला था, छेड़ो मत छेड़ो मत, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अगर पलटी करे तो 200 किलो तक जा सकता है नेक्स्ट ईयर? भाई ये तो उस्तादों पे डिपेंड करता है, तो उसके पालने वाला कैसे पालता है, ये भी बात सही है। क्या होता है कि लोग फास्ट बकरा चला देते हैं ना तो बकरा फेल हो जाता है, ये एकदम आराम आराम से पलेगा, स्टार्टिंग से इसका बेस बनाया जाएगा, फिर उसके बाद एंड में इसमें, लेकिन जो भी हो इसमें चाचू की उस्तादी दिख रही है, जो हिसाब से चाचू ने बकरे को तैयार किए, और माशाल्लाह शाइनिंग भी बकरे में काफी है, ऐसा नहीं है कि देखिए ना अभी इसमें जो ज्यादातर वजन है ना 70% इसका बोन स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर की भराई तो किसी से भी पूछेंगे ना तो ऐसा मतलब दिख के नहीं आ रहा, इंशाल्लाह अगले साल जब ये तैयार होगा फिर ये बकरा दिख के आएगा। सही है भाई, जबरदस्त माशाल्लाह चाचू, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिव्यू है, सब खुश है, और ये आपकी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत में भी लोग यहाँ दूर दूर से आए बकरे को देखने के लिए, कहाँ से आए वो पता है? कहाँ से आए? हैदराबाद से, मैंने सुना भोपाल वाला है, हाँ ये भोपाल वाले हैदराबाद वाले है। दोस्त हैदराबाद से आए, तीसरे पालनपुर से आए, अरे अपना अहमदाबाद से आए, माशाल्लाह से आए, क्या बात है, सब दोस्त है अपने, और खाली अपने लेकिन आए तो उनको बकरा देख के पैसा भी वसूल हो गया, बिल्कुल नहीं नहीं हम लोग का वो जो ग्रुप है ना उसमें कोई कोई अहमियत नहीं रखते पैसा, क्या बात है, वाह माशाल्लाह, उसमें कोई पैसा अहमियत नहीं, जबरदस्त, हाँ चल चल तो बस 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 बस, माशाल्लाह। हमारे शारिक भाई भी, अस्सलाम वालेकुम, शारिक भाई पतिरा किंग है, पतिरे में बहुत नाम है शारिक भाई का, अभी कोटा हो गया, कोटा बस बस चेंज हो गए भाई, एक बकरा देख के चेंज हो गए माशाल्लाह, क्या बात है, चल चुप चुप। शारिक भाई आपको कैसा लगा? नहीं भाई क्या बोलूं, हरेक को पता है अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, अल्फाज नहीं है माशाल्लाह, नहीं 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 जी, चाचा ने यहाँ पर तैयार की, सही बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े बकरे मतलब भोपाल का टैग लग के आता माशाल्लाह, बम्बई में भी इतने बड़े बकरे तैयार हो रहे, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, सही भी बोले माशाल्लाह, बकरे में क्या चीज की कमी है, आया नहीं मैं, जो भी देख रहे एक बार माशाल्लाह जरूर बोले। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब इकड़े, ये हमारे इधर के मतलब रिटायर्ड डॉक्टर है, नमस्कार डॉक्टर साहब, कभी कभार आते हैं, डॉक्टर साहब बोला बोला का दोन शब्द बदल बोला का बकरे से बदल बोला दोन शब्द नहीं 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 बेटा नहीं नहीं कौन ना क्या बोल रहे डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक नंबर है, एक नंबर बकरा है, डॉक्टर साहब कभी पाला इतना मोटा बकरा आपने? नहीं देखा नहीं भाई, कभी ना पठान ओ पठान सही बराबर, तीसरी बात जो भोपाल में बकरे भर रहे वो हफ्ता नहीं है इतने टेम्परेचर में, सही बात भर के हिस्ट्री है, समझे, मैं सबसे पहला वही बोला कि बकरा हाफ रहा नहीं है, 130-125 किलो का बकरा उठने को 5 मिनट लगाता है,
उसको बैठने दो, खाली आवाज जो उड़ जाएगा। और अभी तो इतनी जबान बाहर निकाल के हाँफता था दूसरा। सही बात है चाचू। नहीं नहीं वाह क्या फुर्ती है। और चाचू इसके अंदर माशाल्लाह संतोष भाई की मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष भाई जबरदस्त बहुत मेहनत करे संतोष भाई ने। मेरे पीछे जो सपोर्ट है सही वो मजबूत नहीं दोनों भी चीज होती है ना संतोष भाई। पहली बात तो सपोर्ट मांगते चाचू का सपोर्ट है और आपकी मेहनत है। मेहनत तो मैं करता हूँ और जो भी सपोर्ट देते हैं तो उनका सपोर्ट है इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। नहीं चुप संतोष भाई आपके हाथ पे कितने टाइम से ये बकरा? डेढ़ साल हो गया। कैसा चला ये बकरा आपके हाथ पे? स्वभाव में कैसा था बकरा? एकदम अच्छा बकरा शांत है लेकिन पब्लिक देख के भड़क गया। पब्लिक देख के भड़क गया है तो वहाँ बराबर खड़े रहेगा। संतोष भाई के पास जाके देखो कैसा खड़े हो गया। ये होती है बकरे की मोहब्बत। संतोष जाएगा वो साचू जाएगा ना तो मेरे पास आएगा। मैं सही बोल रहा हूँ बकरे जाने का आपको इतना ये नहीं होगा जितना संतोष भाई का होगा। सही है वो तो है भाई सही बात है। देखो ना भाई अभी अगर मैं थोड़ा और कुछ बोल दूं ना तो संतोष भाई जान लगा के पाले उसको। सही है जान लगा के पाले और यही मेहनत है जो आज लोगों को मिल रही है माशाल्लाह। और ये बकरा तो माशाल्लाह सेल हो गया इसके लिए तो कोई कॉल नहीं करे लेकिन वीडियो देख के एक बार मिल नहीं किया लेकिन आज वो बकरे के अंदर अल्लाह ने कुछ अलग ही नूर भेजा और कुछ अलग ही तरीके से बकरे ने अपने आप को प्रेजेंट किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है और अल्हम्दुलिल्लाह बिक भी चुका सोल्ड आउट भी हो चुका। बस उसी के जश्न में यहाँ पर ये सब छोटा मोटा गेट टुगेदर हुआ जिसमें सारे लोग आए माशाल्लाह। और क्या बोलना चाहेंगे अमीन भाई? बस और कुछ नहीं आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यार अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लोग एक साथ जमा होते हैं ना एक जगह पर तो बहुत मजा आता है। बकरेबाज तो जमा हो ही जाते हैं। सही बात है लेकिन यूट्यूब वाले जो इधर उधर दिन भर भटकते रहते हैं काम की तलाश में और स्ट्रगल जो कर रहे हैं सही है। और जब एक प्लेटफॉर्म पे सब मिलते हैं ना तो बहुत आपस की गेट टुगेदर होती है हमारी भी एक गेट टुगेदर हो जाती है कि समीर भाई क्या चल रहा है मैं अवीम भाई से पूछ लिया कभी आसिम भाई मिल जाते हैं अपने फाहद भाई हो गए एफ एस ए वाले तो हम लोगों का भी इस बहाने गेट टुगेदर हो जाता है और हम लोग मार्केट के मतलब बोलते हैं ना एक रिसर्च कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। सही बात तो ये गेट टुगेदर होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि अपने बकरे वाले मिलकर अपने यूट्यूबर्स बकरे वाले यूट्यूबर्स मिलकर गेट टुगेदर करो और जितने फार्म वाले सबको इन्वाइट करो इंशाल्लाह। मैं ऐसा ही मेरी ये सोच है। उस्ताद भी हमारे साथ में अरे उस्ताद बकरे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा बकरा है। आप तो वैसे भी उस्ताद ही है भराई के तो ये बकरे में आपको क्या आज देख लिए पब्लिक ने 45 की हाइट का कोटा बोले तो यार बहुत शानदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नायब। आपने तो बड़े बड़े बकरे तैयार किए इतनी बड़ी फ्रेम का बकरा देखे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बकरे सब अच्छे अपनी अपनी जगह पे है सही लेकिन ये क्वालिटी अलग है। ये अलग है सही है हर बकरा अपना एक अलग रुतबा रखता है। बकरे ने भी साथ दिया और जिन्होंने बनाए बकरा संतोष भाई उन्होंने भी बहुत मेहनत की है भाई इनकी भी मेहनत है। बकरे ने भी साथ दिया और इन्होंने भी अच्छा काम किया माशाल्लाह। चाचू दूर दूर से मेहमान आए। ये भाई ये नासिक इगतपुरी से। अच्छा नासिक इगतपुरी से है और ये हमारे बहुत पुराने दोस्त है जी। अहमदाबाद से 35 किलोमीटर अलग नंदा संगा हुआ। अच्छा उतने दूर से आए आपकी मोहब्बत में माशाल्लाह। ये भाई पालनपुर वाह अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा वन मैन शो क्या बात है। चाचू आपको कैसा लगा इधर आके? अच्छा लगा माशाल्लाह। सही शारिक भाई शारिक भाई का तो रिव्यू ले लिए पतीरा किंग है वो। सही बात है वो हमारा मुस्तफा भाई हल से आए। अच्छा हल से आए हल बहुत दूर है। सही माशाल्लाह कैसा लगा बकरा चाचू का? सही चाचू आप दूसरे को सबको उस्ताद बोल रहे हैं लेकिन आपका बकरा ही बता रहा है कि आप क्या लेवल के उस्ताद है। हाँ चाचा उस्ताद है। चाचा उस्ताद है नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई। एकता ग्रुप के अध्यक्ष हो? हाँ चेयरमैन है। और माशाल्लाह एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किए यानी चाचू का ऐसा है कि हर लाइन से सहूलत हो बकरेबाज लोगों को यानी जो अभी बकरे बाजी में चाचा एक सीनियर की वैल्यू रखते वो हिसाब से संभाल के भी ले रहे सबको। हर कोई इज्जत करता है हर कोई इज्जत करता है ग्रुप हो या एक ये जो लाइव स्टॉक का अभी चला है तो अभी आया लेकिन माशाल्लाह सब जगह रिस्पेक्ट करते हैं। और जो अभी जो प्रोडक्ट इन्होंने निकाले है ना बहुत जबरदस्त से बोल रहे हैं और खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है चाचा एक्सपेरिमेंट किया हुआ बाकी इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ भाई हम लोग ने इसको एक्सपेरिमेंट किया है आप भी एक बार यूज करो अभी मिली तभी हम लोग ने वो चीज मार्केट में लाई। सही है। और इसमें और एक बात बताता हूँ बड़ी बात बताता हूँ जी कि भाई जो हम लोग बकरा खाते हैं काट के
भराई का बोलो या सेल्फ फीडिंग का बोलो, तो जो स्मेल आती है आदमी को जी बकरे के अंदर, उसमें वो चीज भी हमने डाली हुई है कि बाबा वो स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। क्या बात है भाई, इतनी बारीकी से काम हुआ है शारिक भाई, ये चीज देखे आपने। और वेट गेन का मतलब चैलेंज है, चैलेंजिंग गेम है कि भाई उसमें तुमको बकरे का खाने का मतलब उसका लज्जत भी आएगी। 2 से 3 महीना और जिसको भी चाहिए तो चाचू से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो क्वांटिटी में अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है ना पूरी, ऑल इंडिया कुरियर भी अवेलेबल है, आपको कुरियर के जरिए भी मिल जाएगा। और फिर से एक बार मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। ये हैदराबाद से है भाई, सलाम अलैकुम। ये खलील भाई हमारे दोस्त है बहुत माशाल्लाह। और ये तो भाई हमारे बहुत बोले तभी तो जी फिरोज भाई, दोस्त बोलो अजीज बोलो या मीठा दुश्मन बोलो, अरे वाह सब चलेगा सही है। अच्छा आओ ना भाई जान, आओ ना। ये हमारे वो जो फील्ड बना है ना, अच्छा वो हमारी ये पूरी टीम है, पूरी टीम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के लाए। और दूसरी बात यह कि आपने जो फीड बनाए वो भी अच्छा है, रेट भी उसका ठीक है दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में, मतलब अभी जो और उसमें भी गुंजाइश चाचू करेंगे जितनी हो सके उतनी, नो डाउट गुंजाइश सही। चाचू का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग को इनवाइट करें जी। और उनका जो चाचू का जो बकरा है मैं पूछूंगा, डॉन आपको कैसा लगा? डॉन लगा, डॉन को देखने के लिए 700 किलोमीटर दूर से रईस चाचा की मोहब्बत में और डॉन की तलाश में यहाँ आ गए, डॉन की तलाश में आ गए, डॉन की तलाश में आ गए और मजा आ गया देखने में, मजा आ गया। देखो ना खाना चल रहा है एक तरफ, बहुत बड़ी बात है एक बकरे के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करना, और सही है सबने कोऑपरेट भी किए और सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया। रईस भाई की रईसी है, क्या बात है। कुछ शेर बोलना चाहेंगे चाचू के ऊपर? बोलिए ना कुछ शेर बोलिए, अरे बोलो ना। और माशाल्लाह खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत शानदार था, थोड़ा कुछ हैदराबादी अंदाज में बोलो ना भाई। खाना बहुत बेहतरीन था जी, और हम हैदराबाद से पुणे एक बार जाकर के खाए थे ये दाल गोश्त, और हमारे मुश्ताक भाई का दाल गोश्त है पनवेल के। अब यहाँ जो खाए हैं रईस भाई के पास उसको पीछे छोड़ गए, सुरेश भाई का था उनको पीछे छोड़ना बड़ी बात जी। फिरोज भाई खाना ऐसा था, ऐसा बोटी मुंह में डाले तो जबड़े लब 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 मार ले रहे थे एकदम जबरदस्त हैदराबादी लैंग्वेज बोलते एकदम चिंदिया अंगार लगा जी। अरे वाह ये सही था। चादर क्या दिखे माशाल्लाह। फैयाज भाई आपको कैसा लगा बकरा? इसका कोई मैच नहीं, कोई मैच नहीं है, कोई मैच, कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। साइज के बकरे आपको बीतल में जरूर मिलेंगे सही, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा जो हाइड है। वाकई मेहनत है और इनकी छुपी हुई मेहनत किया, शोबाजी नहीं की इन्होंने, जो उनका काम है उन्होंने करके दिखा है सही है। और आज वो पब्लिक रिजल्ट और उनकी उस्तादी को पहचान रही है सही करना। फिरोज भाई भी है पनवेल से आए, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह कैसा लगा फिरोज भाई? मैंने नाम तो बहुत सुना था, देखने का मौका, जैसे मुझे पता चला कि इस टाइप की चीज यहाँ पर है, मैं अपने सारे काम का छोड़कर क्या बात है 60 किलोमीटर से यहाँ पर ये चीज देखने आया हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इस तरह की चीज मुझे यहाँ देखने मिली। वाह एक्चुअली कोटा तो जहीर भाई बहुत देख चुका हूँ मैंने, पूरे वर्ल्ड का तो नहीं बता सकता पर इंडिया में सबसे बड़ा। जहीर भाई से लेते सलाम वालेकुम जहीर भाई। जहीर भाई माशाल्लाह आपको बकरा कैसा लगा? सही सही बोलो। आपका रिव्यू बहुत मानी रखता है माशाल्लाह, यानी क्या चीज आपको लगी बकरे में, यानी बड़ा बकरा है क्या, क्या देखे आपने? बॉडी हाइट बनाया अच्छा है सही है। बाकी रईस भाई की मेहनत है, चाचू की मेहनत है, चाचू की मेहनत है ना, बोल के नहीं बल्कि दिख के आई है, आज लोग देख रहे हो है ना।
तो आप चला था जी, तो आप खाना खा के भी जाए। खाना हो गया खाना, ठीक है। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको बकरा देखे? आप तो डॉक्टर है, आप तो 4 बजे निकला जाने का, देखा डॉन अच्छा। और डॉक्टर साहब ये भाई से भी मिला है, शायद अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी। अच्छा निकलो माशाल्लाह, का तो लेट जी हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बकरे ने जो मेहनत है चाचा की, डेढ़ साल की मैं बोलूंगा अभी तक की, डेढ़ साल की मेहनत है। यार बोलो, अरे बैठना, अब बोलोगे तो 60-65 अभी खाना किसने खाया पहले बताओ। सही, बचेगा तो बांटूंगा ना। 92 kg अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने में आज मेरे हिसाब से बोला तो नहीं होता 155 आराम से। डॉक्टर साहब एज ए डॉक्टर मैं आपको ऐसा पूछूंगा कि बकरा जो अभी कंडीशन में अपन जवाब दे दीजिए, काबिल का बकरा है जो जबान से बोल रहे, बोन साइज कितनी बोल रहे? तो अपने काम से जगह है, जगह है जी। और कैसा होता है, 11 किलो भी वजन दिया है एक महीने में 11 किलो खाने की काम नहीं होता। सही बात। और गर्मी आती है तब बकरा स्लो भी होता है। सही, हर कोई बोलता है जैसा हर महीना एक ही वेट आता है, ऐसा नहीं। बकरा गर्मी में अलग चलता है, ठंडी में अलग। कल का दिन बहुत भारी जाएगा, आप भी गर्मी में खाना खा पाओगे, खाओगे भी तो बदन को नहीं लगेगा। वैसा बकरे का भी एक सिस्टम होता है, बहुत मुफ्ती बकरा था, बहुत वेट लेना। चाचू के बाद 1 साल और रखेंगे, जो वेट जैसा अभी 7 महीने में, अभी जो उसके अंदर फिटनेस है, जो ताजगी है। भाई हर बकरे की बात करूंगा, अभी 5-6 दिन पहले भी मैंने इसको देखा, 150 kg पे अल्लाह करे जम कर रहे हैं। और आप उसको एग्जेशन में लाके जम करा के देख सकते हो कि 150 kg हम लोग सब तारीफ भी करेंगे भाई। अरे डॉक्टर साहब वो बकरा गर्म हो गया तो उसको लेके चले गए, कोई लोग बात आ रहे हैं, वो जो लोगों ने जो भी देखेंगे वो बोलेंगे हेलो 7 महीने से निकलता नहीं है बाहर साहब, थोड़ा डचक जाता है बकरा। मैं तो क्या मतलब है, कल बकरा जाएगा। आज प्रोग्राम भी डॉक्टर साहब काफी अच्छा हो गया, चाचू की मोहब्बत है कि लोग दूर दूर से आए। ये बहुत मानी रखते 44 की आई। हाँ नहीं मैंने नहीं देखा, वजन में शायद 170 भी देखा होगा, 180 देखा हूँ मैं खुद नासिक में। नहीं कोटा में बहुत तेरे को, लेकिन उनको बोल, उनको बोलने की जरूरत नहीं, तूने उनको पूछना चाहिए था ना कि भाई चाचा कैसे जा रहा हूँ। सही है लेकिन जिसको भी, लेकिन उन्होंने जो चीज ली है वो लाजवाब है माशाल्लाह, उनको बहुत बहुत मुबारक। बहुत इंसान की देखो भाई, बहुत बम्बई के बकरे बाज आए अभी मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को तकलीफ, किसने सोचा था वो 3 इंच बोल रहा है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ ना तेरे को, तू घर में रहेगी अगर तू नहीं आया, घर में रहेगी नहीं आया तो फिर अभी वही चीज होती ना भाई। इसका आपने पेट देखा? देखा मैंने, लाइव भेज उसको, लाइव की रिकॉर्डिंग भेज, एक लेवल में पूरा, ठीक है चल अभी खाना खा रहे। अच्छी फिटिंग में कोई ऐसा भद्दा वद्दा बकरा नहीं है, कोई साइड से झुका है, कोई साइड से उठा है, वो पेट ऐसा लटक रहा है। ये बकरे वो चीज नहीं है, पहली बार आपसे मिलने आया था तो भाई ने अपनी बात, और जैसे मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब की ये जो चीज है पैसे से नहीं मिलती, उसके पीछे महीना लगा। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में ये बकरा, महाराष्ट्र में 13 फीट में, महाराष्ट्र का कोटा 45 की हाइट बोले तो बहुत, यानी मैं तो बोलू शायद इंडिया लेवल पे भी नहीं मिलेगा ये बकरा, मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, और इससे बेहतर हूँ मैं। सही, वो बहुत मतलब ये किया उसने, सपोर्ट है, सही, बहुत बड़ी बात है, घर वालों का भी सपोर्ट। तब जाके ये नगीना बन गया, 2-3 बार मैसेज किया मनाओ, नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे बोला चाचा ने पहला बकरा भी उन्होंने जब फंसा हुआ था, मेरे बोलते तमन्ना थी बहुत, चाचा ने बोला नहीं आने के, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेकंड ईयर परसों भी मैसेज आया, अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह चाचा क्या धमाल करते हैं। अभी फंसा हुआ मिलता है, नासिक नासिक अहमदाबाद निशाना हैदराबाद सब दूसरों के, माशाल्लाह इंशाल्लाह अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर चाचा। अच्छा 150 पार हुआ है, मेहनत भी है, और ये तो कल सुबह आएंगे ना। सही, और आपका भी गाइडेंस है इंशाल्लाह पूरा, है ना।
फ्री हो जाओ बोले फ्री तो कल सुबह होंगे ना भाई, आपके अमानत आपके पास जाएगी। सही बात है, नियत सही तो बरकत होती है, ये बात आपने एकदम सही बोला। ठीक है डॉक्टर साहब जी भाई, अच्छा माशाल्लाह, ये हमारी मोहब्बत में इगतपुरी से आए। क्या बात है, नासिक इगतपुरी, नासिक इगतपुरी से आए। तो माशाल्लाह अंकल आपको कैसा लगा इधर आके? अरे भाई ये हमारे पुराने दोस्त है जी, और इधर आ गया बकरा देखा, मेरी जिंदगी में 63 उम्र हो गई मेरी, लेकिन ऐसा बकरा मैंने 63 इयर्स में इतना बड़ा बकरा नहीं देखा। ये बकरे पालते हैं। अच्छा आप बकरे पालते हैं माशाल्लाह, और खुद हर चीज की मेहनत, और शेयर होल्डर भी हमारे और बहुत पुराने दोस्त भी है। सही है, चाचू की मेहनत है, चाचू की तजुर्बा है, और जैसे एक बकरेबाज में बहुत बड़ी चीज होती है कि वो बकरे को पहचानना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बकरा क्या लेवल तक जाएगा वो बहुत वक्त के बाद आती है। और माशाल्लाह वो बकरा मेरे को एक साल के लिए जी, देखो भाई हीरा रिकॉर्ड तोड़, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दे, हीरे की परख कौन करेगा? वही मैं बोला ना चाचू को, हीरे की परख तो जोरी के लिए होती है, जोरी करेगा। अभी 2 सेकंड में बकरा करेगा चाचू, खाली 2 सेकंड में वीडियो कॉल पे जी बकरा देखा, बच्चों को बोला वीडियो कॉल बंद कर पैसे। चाचू जैसे कि माशाल्लाह अपना ट्रेडिंग का भी काम चलता है, किसी को अगर ऐसी क्वालिटी के बकरे चाहिए तो मिलेंगे उसको? मैं अपन ज्यादा उधर वो मतलब नहीं, जैसे अपने कोटा अपन खुद के पले हुए कोटा जो हर साल बेचते हैं, हर साल ऐसा खरीद के जंगल से नहीं, खुद के तैयार करके सिलेक्टेड बच्चे लाके जो आप देते हैं, तो अगर किसी को चाहिए अभी तो देख के तो शौक बढ़ गया ना, लोग भी सोचेंगे कि हमको भी ऐसा बकरा चाहिए। मिल जाएंगे 2-3 बकरे अपने तो घुटे, और आप इंशाल्लाह ऐसा अगर आपके पास पलाई पे रखे तो आप तैयार करके भी देंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो आपकी पूरी रहेंगी। सेल्फ फीडिंग पे अगर देंगे तो इंशाल्लाह तैयार करूंगा, तैयार करें। बाकी भराई की जिम्मेदारी आज की मतलब अभी जो बात कर रहा हूँ आज की तारीख में नहीं लेंगे, क्योंकि भराई का मेरे पास बंदा नहीं है, तो हिसाब से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। अगर बंदा अगर मिला तो हैंडल करने का काम, और माशाल्लाह हर साल की तरह अपना सूजत का भी लॉट आ चुका है, आ चुका है, कोटा का कलेक्शन आ गया है, सूजत भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फार्म पे जरूर विजिट करे चाचू के, और नायाब कोटा भी देखे और सूजत भी। हाँ ये हमारे माशाल्लाह में आए भाई, एक हमारे मजोर रहे वो नवाब साहब पहले आने, आइए अरे किधर बीच में आता है, ये हमारे बाबू भाई नवाब साहब आइए, वो नवाब साहब इधर से आइए माशाल्लाह, ये सफेदी की चमकार बाबा इलायची, अरे वाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हो गई देख के आप लोगों को, हमारे दोस्त है जी, आमीन आमीन। चल भाई खाना खाए, सही बात, रेहान भाई माशाल्लाह आपके लिए तो एक बहुत प्राउड वाला मोमेंट है, दो कुछ तो बोलो रेहान भाई साने, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह जो आपके फार्म से इतना बड़ा जो कोटा जा रहा है, आपके अब्बा की मेहनत है ये, बहुत अच्छा नहीं बल्कि इंशाल्लाह सही, जज़ाकअल्लाह सरफराज भाई, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके सब्सक्राइबर के लिए, मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ माशाल्लाह, बहुत मेहनत है, और जैसे कि आप भी सब तरफ घूम रहे हैं माशाल्लाह, सीजन स्टार्ट हो गया और बड़े बड़े बकरे तो देख ही लेते हैं, लेकिन इधर आके कुछ एक अलग ही चीज देखने मिल गई सरफराज भाई, बहुत बड़ा बकरा, ठीक है क्या बड़ा बकरा कोटा देख रहा हूँ, 45 हाइट बहुत मानी रहे, तो अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं इस साल का 45 हाइट का सबसे बड़ा कोटा बकरा देख रहा हूँ जी, ठीक है सर, मैं यहाँ पे जितने उस्ताद और जितने लीजेंड लोग हैं उनका कहना है कि हमारी लाइफ जर्नी का सबसे रमेश क्या बात है, वाह कंपेयर करना तो बनता ही नहीं है ना, बनता ही नहीं है, कुछ नसीब लोगों में से ना भाई जो हमको देखने मिला, जिन्होंने ये नेमत अपनी आंखों से देखी भाई, क्योंकि यहाँ पे चाचू भाई 11 साल से एक्सपीरियंस, उस्ताद खलील रॉक कर दिया था भाई, देवनार बकरा मंडी में बता दिया था कि भाई बकरे क्या होते, क्या होते, वो नाम के साथ बकरा बेचने वाला जो ट्रेंड आया था भाई, उस्ताद खलील ने वो चीज लाई थी, हम ये कहेंगे की इस साल का तो नहीं भाई, मैं कहूंगा की लाइफ टाइम का सबसे बड़ा बकरा, मगर रब ताला की बारगाह में यही दुआ की ऐसी नेमत हमें देखती बार बार देखने को मिले, बस भाई यही कहूंगा, मेरे पास अल्फाज ही नहीं था भाई, इतने बड़े बड़े लोगों ने कही दिया, तो असल बकरेबाज है सही, हम आपको कॉपी कहते हैं भाई, उनको कॉपी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, मगर जो असल बकरेबाज है जिन्होंने जिंदगी के 20-30 साल लगा दी भाई, जब वो लोग कहते हैं कि भाई ये चीज ऐसी है, तो हम जैसों का तो बनना बनता ही नहीं, क्या बात है यार माशाल्लाह, बस वहाँ टॉपिक एंड हो जाता है भाई, जज़ाकअल्लाह।